पांच तारीखे शाम में दोस्तों के बीच में चारों मुस्लिम और जो मरो दोस्त हैं ये लोग आते चलते हैं पूरा असद बाबा नगर किशन बाग में रहते थे। थोड़े दिन पहले ये मरू अरशद को और एवन वहीद खान को बीच में कुछ पीने में कुछ दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई होते एवन का माँ क्या बोली यहाँ रहना अच्छा नहीं है बोल के यहाँ से असद बाबा से बाबा नगर से निकल के अशमाल में पहुंचे। मगर इन लोगों के बीच में वैसे दुश्मनी थी। 4 तारीख के शाम लोग ऑटो चलाते थे। ये अत्तापुर में एक रात में 2 बजे टाइम में ये वहीद खान और उसके साथ और एक ये ट्रांसजेंडर के साथ कुछ हरकत करते हुए उन लोगों से पैसे छीनते हुए ये मरूं और उसका साथियां देखे थे। फिर वो ट्रांसजेंडर से पैसे कैसे ले रहे बोल के ये वो दोनों लड़ाई हुआ। जब मरूं और उसके साथियां वहीद खान को मारे थे उन्हों अस्पताल जाकर ट्रीटमेंट लेके ले गए थे। वो दुश्मन मन में रखे 5 तारीख के शाम में इन लोगों बुलाया वहीद खान कॉम्प्रोमाइज होंगे बोल के उन्होंने बुलाया। उससे पहले तो उनका दोस्तों आमिर शोएब और यूसुफ इन लोगों को बुला लिया। उसका माँ की भी बोले हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते बोल के फोन करके बुलाया। उन लोगों आने से पहले इन लोगों थोड़ा बियर पिए फिर किशनबाग में डिज्नीलैंड होटल के पास आओ बोल के जो मरो और उनका साथियां बोले थे उनके साथ में जो है बोले थे इन लोगों को बियर पी के उनका माँ के साथ एवं वहीद खान के माँ के साथ ऑटो में ये डिज्नीलैंड होटल किशनबाग में पहुंचे थे। 5 दिन वो ऑटो ये वहीद खान ही चला रहे थे। वहाँ उतर के एक एक देने के बाद देख लिए गुरके देखने से ये मरो वहीद खान का जो गला पकड़ के दखलने से इन लोगों के साथ ऑलरेडी इन लोगों प्रिपेयर है अगर कुछ हुआ तो उन लोगों को देखेंगे बोल के इनके साथ नाइफ थे। नाइफ के उसको मारे उसको 5-6 जख्म हुआ और सीने पे और स्टमक पे हुआ था। फिर और एक उनका दोस्त है इन लोगों और बियर बॉटल भी तोड़ के ओढ़ के और जमील को भी मारे थे उसको सर पे मार लगा मार के भाग गए थे। वो टाइम पे उनका माँ भी थी साथ में ऑटो में उनकी भी मालूम होता। फिर वहाँ का इंफॉर्मेशन आते हुए पुलिस उन लोगों को पब्लिक के सहारे में अस्पताल ले गए थे। पद्मश्री वो अरशद तो बचने का उनका मौत हुई और जमील का जख्म इलाज करके छोड़ा।